आज की मीटिंग से तुम्हें साफ समझ आ जाना चाहिए कि इस रमजान में हमने क्या करना है। जी सर, मैंने इफ्तारी के दौरान ही अपने हदूद की तमाम मार्केट में पहले से सिक्योरिटी सख्त कर दी है। गुड, तुम खुद इसकी निगरानी करो, क्योंकि दौरान इफ्तारी तमाम लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं और इस दौरान दुकानदार बिल्कुल अकेले रह जाते हैं और ये जराय पेशा लोग उनको यलगमार बनाकर उन्हें लूट लेते हैं। इस काम के लिए मैंने कुछ सादा लबास मुलाजम तैनात किए हुए हैं। सर, एक बात याद रखना, पिछले साल की तरह इस रमजान में भी हमारी हदूद में कोई वारदात नहीं होनी चाहिए। सर, मैंने मकामी मार्केट्स के तमाम ताजरों और दुकानदारों से इस बारे में मीटिंग की है। तुम तमाम दुकानदारों से कह दो कि दौरान इफ्तारी वो अपना एक मुलाजम दुकान से बाहर खड़ा करें, ताकि किसी भी इमरजेंसी होने की सूरत में 15 को या हमारे मतलका थाने में वो रिपोर्ट कर सके। हेलो, कौन? अब तो कैसे पहचानेगा मुझे? जिला पहाड़ी बात कर रहा है। हाँ, शुक्र है तूने मुझे पहचान तो लिया, और यह भी याद रख कि पहाड़ी बिल्ला अपने ऊपर किसी का कर्ज बर्दाश्त नहीं करता है। क्या मतलब है तुम्हारा? बात सुन उमर दराज, मेरा करोड़ों का माल पकड़वा के अब तू अनजान बनने की कोशिश ना कर। अब समझा, तुम्हारा माल पकड़वा कर मैंने कोई जुर्म नहीं किया, एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने का हक अदा किया। तो अब एक हक तो मेरा भी बनता है, जो उमर दराज ने कारनामा किया है उसका इनाम भी दूं उसे। पहाड़ी बिल्ला, तुझ पे और तेरे इनाम पे मैं लानत भेजता हूँ। ये सोचे बगैर के तुझे मैं इनाम क्या दूंगा, तूने खुद ही फैसला कर लिया। मतलब की बात कर, ये बता मुझे फोन क्यों किया? बताता हूँ, बहुत जल्दी में लगते हो, अगर मैं चाहता तो उस दिन मेरे बंदे तेरे टुकड़े टुकड़े कर देते, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। अब मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा। स्टूपिड नॉनसेंस इडियट, जो भी तू गाली दे सकता दे। अब तू बिले पहाड़ी की शुरुआत देख और इसके पंजे से निकल के देख। तू शट अप। तब भी तो आ गया, बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं, तब भी आ गया। अब आ ही गया तो अंदर भी आओ। थोड़ा जल्दी में हूँ, अंदर नहीं आऊँगा। ये बताओ अंकल कहाँ है? वो किसी काम से लाहौर गए हैं, कल तक आ जाएंगे। तो फिर मैं चलूँ? हाँ, अगर काम उन्हीं से था तो कल आ जाइएगा, वरना बैठिए आपके लिए कुछ ठंडा गर्म लेकर आए। काम तो उन्हीं से था, मगर वो नहीं है तो आपसे भी शेयर किया जा सकता है। तो फरमाइए, आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? आज मेरे हाथ पे खुजली हो रही है। चीकू के हाथ पे जब भी खुजली होती है लगता है कुछ होने वाला है। चीकू, लगता मुझे भी कुछ ऐसे ही है, इस दफा तुझे कोई लंबी दौलत मिलने वाली है। चीकू, दौलत का पुजारी नहीं है बॉस, लगता है कोई हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। सबर से, सबर का फल हमेशा मीठा होता है और मीठा खाने का अपना ही मजा है। बॉस, तुझे तो पता है चीकू ज्यादा देर किसी का उधार रखने का आदि नहीं है। मेरी बात सुन, क्या बात है सौरभ भाई, इन सोचों में गुम हो? अरे तुम कब आए? मुझे तो आए हुए 35 बरस हो गए हैं। तुम किस प्रॉब्लम में हो? शिकु किसी को परेशानी में नहीं देख सकता यार। वो रुबीना, एक लड़की के लिए इतना बेचैन? मर्दबान मर्द, लड़कियों के पीछे भागने वाले मर्द नहीं होते। क्या करूं शिकु भाई,
वो मुझे अच्छी लगती है। अच्छी लगती है तो मिल भी जाएगी। अपने पार्टी में वो लड़का बोल दिया। कौन सा लड़का? वो जो तुम्हारे साथ वाली सीट पे बैठा था। तुम सखावत की बात कर रहे हो? नाम तो पता है, कहीं आशिकों की लिस्ट में उसका नाम तो शामिल नहीं है। क्या बेहूदा बातें कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अगर तुम्हारा उसके साथ कोई चक्कर है तो बता दो। गाड़ी रोको बिलाल, मैं कह रही हूँ गाड़ी रोको। वादा करो आज के बाद ऐसी घटिया बात कभी नहीं करोगे। देख सखावत, तुमने 15 दिन का बोला है, आज 15 महीने गुजर गए हैं, मेरे पैसे वापस कर दे। देख बशीर, मैंने तुझे पहले भी कहा है कि अभी मुझे काम नहीं मिला, और जैसे मुझे काम मिलेगा मैं तेरा पाई पाई चुका दूंगा। नहीं नहीं, तुम्हारे काम का ठेका नहीं आया, मेरे पैसे वापस करो। और अगर ना दूं तो? क्या करे यार, दुआ करो इस गर्मी में कहीं कोई लड़ाई झगड़ा ही ना हो जाए किसी का। इंशाल्लाह नहीं होगा किसी का, जो होगा भी तो देख लेंगे। लेकिन वो सर, वो सामने देखो है, अमरदार मजीद के होते हुए ये हमारे इलाके में कानून शिकनी की जा रही है। चल जरा चल के देखे ये कौन है, क्यों लड़ रहे हैं ये। साहब जी, इसने मेरे पैसे देने हैं। क्यों है? ये ठीक कह रहा है? सर मैं अभी बेरोजगार हूँ, मैंने इसको कहा है मैं दे दूंगा। देखो जब ये कह रहा है कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा तो लड़ने की कौन सी बात है, मसला क्या है इसमें? कब देगा ये पैसे? मैं तो अभी लेके जाऊंगा। तुम कानून के होते हुए कानून को हाथ में ले रहे हो, तो ये मामला अब थाने चल के हल होगा, क्योंकि तुम कानून शिकनी कर रहे हो। चलो चलो, मैं इसको दे दूंगा पैसे जी। डैडी आप एक दिन का बोल कर गए थे और इतने दिन कैसे लग गए? डैडी वहाँ कुछ पुराने दोस्त और देर तो लगी जाती है ना। अरे डैडी, ये गरम गरम चाय खास तौर पर डैड मैं आपके लिए लाई हूँ। थैंक यू माय डियर डॉटर। डैडी मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बेटा, क्या बात है बोलो। नायक बेटा, तुम जरा अपने कमरे में जाओ। जी डैड, क्यों नहीं। बोलो बेटा। वो डैडी, मैंने आपसे वो बिलाल के बारे में बात की थी। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा। डैडी वो अगर आप एक बार उनसे मिल लो तो। क्यों नहीं, तुम जहाँ चाहो उसे मिलवा दो। जहाँ चाहो नहीं, मैं कल उसे घर अपने चाय पे बुला रही हूँ। बात ओके माय डियर। जी थैंक यू सर, थैंक यू। जी फरमाइए। देखिए सर, मैं एक शरीफ आदमी हूँ, एक बार मैंने एक मनचास मुल्क का माल पकवाया था, तब से वो मुझे मसलसल धमकियाँ दे रहा है। आप वाकई एक शरीफ शहरी हैं, आपने कानून की मदद की है और एक स्मगलर का माल पकड़वाया है। आपने कानून की मदद की है और कानून आपकी मदद जरूर करेगा। सर वो बहुत खतरनाक लोग हैं, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, मुझे डर है कि कहीं मेरे बेटे को वो नुकसान न पहुंचा दे। जी आप फिक्र ना करें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप साहिल साहब के पास जाएं और अपनी रिपोर्ट लिखवाएं। इन्हें साहिल साहब के पास ले जाओ। देखिए अमरदास साहब, मैंने आपकी बातें सुन भी ली हैं और समझ भी गया, आप रिपोर्ट लिखवाएं, आपकी रिपोर्ट के ऊपर अमल होगा। मेरी जिंदगी, मेरा मां, मेरा फखर, मेरा बेटा बिलाल है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। हमने वर्दी पहनते वक्त याद किया था कि हम लोगों की जानो माल की हिफाजत करेंगे, इसमें चाहे हमारी जान क्यों ना चली जाए।
सॉरी माय डियर, चोट तो नहीं लगी तुम्हें? चोट तो नहीं आई, बट अगर आप आंखें खोल के गिराते तो ज्यादा ही अच्छा होता। बदतमीज, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है, जानते हो ये कौन है? शेखो खामोश, गलती हमारी है, बर्दाश्त भी हमें करना पड़ेगा। देखो ये अथरा नौजवान है कौन? उमर दराज का बेटा है। उमर दराज? डैडी, आपको बिलाल से मिलकर कैसा लगा? यही के हमारी बेटी का कोई भी फैसला किया हुआ कभी गलत नहीं है। डैडी, इसका मतलब है आपको बिलाल? हाँ हाँ, मैं बिलाल को अपना दामाद बनाने के लिए तैयार हूँ। तुम बिलाल को कहो कि अपने डैडी को हमारे घर भेजे। लेकिन डैडी, आप मुझे दूसरे रूम में भेज के तो यहाँ खुफिया मीटिंग्स करते हैं। हम आपकी बहन को आपसे जुदा करने का फैसला कर रहे हैं। क्या मतलब डैडी? हम आपकी बहन की शादी बिलाल से करने जा रहे हैं। सच डैडी? हमें कानून पढ़ाने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम कितने शरीफ हो, हमारा धंधा क्या है। अब ये जिला एंड जिला फ्लोर मिल के मालिक हैं। मैं तुम्हारी मिल चेक करने नहीं आया, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि आज के बाद उमर दराज को कोई काल नहीं जाना चाहिए, वरना काल के साथ साथ मैं तुम दोनों को भी थाने ले जाऊंगा। बिलाल, मैंने डैडी से बात की है और वो बोल रहे हैं मुझे बिलाल के डैडी से मिलवाओ। मैंने तो भी डैडी से बात ही नहीं की। तो करो ना, कब करोगे? हाँ हाँ करूँगा, इतनी जल्दी भी क्या रखा शादी में? पागल हो तुम, जिनकी बेटियाँ जवान होती है ना, उनके माँ बाप उनका बहुत सोचते हैं। अगर बिलाल को रिश्ता मंजूर नहीं तो हम भी तुम्हें दिलो जान से चाहने वाले हैं। मैं करूँगा तुमसे शादी। बिलाल छोड़ो, ऐसे तुम मुँह नहीं लगते, चलो यहाँ से। पछताओगी तुम एक दिन, याद रखना। देख लूंगा तुम्हें भी और तुम्हारे इस आशिक को भी। सीधा खड़े हो। अच्छा, तुमने ये सोचा कि इफ्तारी के दौरान आमदोरफ्त कम होने के बायस तुम अपना काम बहुत आसानी से कर सकते हैं? सर, मैं तो उस मार्केट में बच्चों के लिए कुछ खरीदने गया था। अगर तुम खरीदारी करने गए थे तो जब रोजा इफ्तार हो रहा था तो तुमने रोजा क्यों नहीं खोला? मेरे पास कोई बंदोबस्त नहीं था। मैं रोज़ा अफ्तार करने की गज से मोबाइल शॉप में घुसा तो आपके बंदे मुझे पकड़ लाए। बकवास करते हो, तुम रोज़ा अफ्तार नहीं डकैती करने गए थे। नहीं सर, मैं तो टैक्सी चलाता हूँ और अपने बच्चों के लिए हलाल कमा कर उन्हें खिलाता हूँ। तुम्हें प्यार की बात तो समझ नहीं आती। सच कहते हैं कि नातों के भूत बातों से नहीं मानते। सर अल्लाह का वास्ता, घर में मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे घर जाने दे। चार जाने, घर जाने दो, आगे से बकवास करते हो तुम, घर जाने दो, ले चलो इसे। अच्छा सर, चलो। अच्छा, तो तू अब हमारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाएगा। तू तो क्या समझता है कि मैं डर जाऊंगा तेरे इस धमकी से? खतरों से खेलना बिला पाड़ी की पुरानी आदत है। खतरा देखा कब है? अरे मैं फौजी रिटायर हूं, तेरे जैसे दहशतगर्द को तो मैं पांव के नीचे मसल देता हूं। अरे वाह,
क्या कमाल की डायलॉग डिलीवरी है तेरी। बिल्ला बाड़ी, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि तू मेरे कहर से बच जाए। जवान बेटे का बाप है तू, बेटे की शादी करा और अपनी पोती पोतियों के साथ खेल तमाशा करके अपने वक्त गुजारी कर। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तेरा सत्यानाश कर दूंगा। हेलो 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 बिल्ला उस्ताद, आप खौफ के साए उमर दराज का पीछा करेंगे और वो कीड़े की तरह रींग कर तुम्हारे पास आएगा और गिड़गिड़ा कर तुझसे माफी मांगेगा। तो रुबीना के लिए कपड़े लिए जा रहे हैं। रुबीना का तो मैं भी बहुत चाहता हूँ। तुम्हारे चाहने से वो तुम्हारी हो तो नहीं सकती। उसे हासिल करने के लिए मैं तुम्हारी मिन्नत तो कर सकता हूँ। किसी का प्यार किसी के चाहने या मिन्नत से नहीं मिलता। और जो चीज प्यार से ना मिले उसे हासिल करने की और बहुत से रास्ते। दिखा दे तूने अपने अंदर का इंसान, अगर मैं छोड़ भी दूँ फिर भी तुम्हारी नहीं हो सकती। वो मेरी किस्मत है कि वो मुझे ना मिले, लेकिन तुम उसके रास्ते से हट जाओ। और अगर मैं ऐसा ना करूँ तो? और फिर तुम अपने नुकसान के खुद जिम्मेदार होंगे। कौन है ये? सर, हमने इसे दो रमजान को दौरान इफ्तारी गिरफ्तार किया था। ये डकैती की घर से मस्जिद में घुसा और हमने इसे पकड़ लिया। क्या नाम है तेरा? दिलावर, दिलावर खान सर। वल बलावर खान। करते क्या हो? सर मैं टैक्सी चलाता हूँ सर। टैक्सी चलाते हो या लोगों के घर उजाड़ते हो? नहीं सर, मैं तो मार्केट कुछ खरीदने के घर से गया था, आपके बंदे मुझे पकड़ लाए। बकवास बंद करो, ये बताओ कि और वारदातें कितनी की हैं और कौन कौन है तेरे साथ? सर दौरान तफ्तीश जिसकी मोबाइल में जो ज्यादा कॉल लगी थी वो शिकू और बिल्ला पहाड़ी की थी। बिल्ला पहाड़ी, वो स्मगलर। चलो साहब को सच सब बता दो, फिर हम तुम्हें तुम्हारे घर जाने देंगे बच्चों के पास। सर मैं अपनी टैक्सी में उनके कुछ बंदे और कुछ सामान लेके जाता था। और तुम्हें नहीं पता कि उन पेटीज में क्या बंद है और वो बंदे वो पेटियां कहां लेकर जाते हैं? इसे सब पता है सर, सच बोलेगा तब ही यहां से जाएगा। अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो बता दे बिल्ला पहाड़ी कहां छुपा है। सर मैंने छापा मार टीम इसके घर भेज दी है जो इसके बच्चों को जान लाएगी। खुदा के लिए ऐसा ऐसा कुछ ना करना, मैं सच बताता हूँ, मैं सच बताता हूँ।
सर मुझे तो लगता है कि फायर बड़े करीब से हुआ है। सर मजदूर तो बाइक पे जा रहा था, गोली इतने करीब से कैसे लग सकती है? हो सकता है पिछले स्टॉप से कोई साथ सवार हो गया और यहाँ अपना काम दिखाकर निकल गया हो। उमर साहब हमें बड़ा अफसोस है कि आपके बेटे की डेथ हो गई। आपको किसी के ऊपर कोई शक या कोई जाती दुश्मनी? सर वो एक ही शख्स था जो मुझे धमकियां मेल फोन कॉल करता था, जिसकी मैंने आपके पास रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। उसके लिए तो सबूत पेश करने पड़ेंगे। सर तुम करीबी दुकानदारों और करीबी लोगों से मालूमात लो, हो सकता है किसी ने तो आवाज सुनी होगी। सर अगर फायर की आवाज किसी ने सुनी भी हुई तो कोई गवाही के चक्कर में नहीं पड़ेगा। मेरी अकलौती औलाद का खून हो गया और मैं आपको कह रहा हूँ कि ये खून पिल्ला पानी नहीं पिया। देखें बीबी, पुलिस अपने फराइज से गाफिल नहीं है, लेकिन किसी को गिरफ्तार करने के लिए सबूत का होना ज़रूरी है। वैसे आपका मकतूल के साथ क्या रिश्ता था? हम अनकरीब शादी करने वाले थे। शादी करने वाले थे, इस बात का इल्म आप दोनों के घर वालों को था? जी हाँ। फिर तो आप मकतूल बिलाल के बारे में बहुत कुछ जानती होंगी। बहुत कुछ तो नहीं, सिर्फ इतना जानती हूँ वो मुझे बहुत चाहता था। फिर तो वो अपने और आपके दरमियान किसी रुकावट या फिर किसी शख्स की बात बर्दाश्त तक नहीं करता होगा। जी हाँ, एक बार इसी तरह की एक बात पे वो सखावत से उलझ पड़ा था। सखावत? ये कौन है? ये तो नहीं जानती, लेकिन एक दो बार उसने मुझे शादी की ऑफर्स की थी। अब बात समझ में आई। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। जैसे ही कोई इत्तला मिलती है हम आपसे रब्ता करेंगे। अगर सच नहीं बोलेगा तो आवालात की हवा खाएगा। मुझे अपने बच्चे की कसम, ना मैंने कुछ देखा और ना मेरे फैर की आवाज सुनी। सच सच बता, तूने तो देखा है? जी हां, मैंने कुछ नहीं देखा। नहीं है ये ऐसे नहीं बताएगा। मेरे घर तक पहुंचने की और तुम्हें मेरे घर का पता किसने दिया? वो क्या है ना कि प्यार करने वाले अपने महबूब के आने जाने का, सोने जागने का और उठने बैठने तक का पता रखते हैं। अब जाते हो या? चला जाता हूं, गुस्सा क्यों करती हो? डैडी, डैडी! तुम्हारे डैड मेरे बॉस हैं, उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाता हूँ। कहीं बिलाल का कत्ल इसने तो नहीं किया? सर लगता है बिल्ला पहाड़ी के डर से कोई शख्स उसका नाम लेने से भी डरता है। आज हमने बशीर नामी शख्स को गिरफ्तार किया, मगर वो भी इस बात से इनकारी है कि मैंने कुछ नहीं देखा। सर रुबीना के कहने के मुताबिक सखावत नामी शख्स से भी एक बार मकतूल का झगड़ा हुआ था। किसका किस से झगड़ा हुआ था और कौन जबान नहीं खोल रहा ये बताने की मुझे जरूरत नहीं। अगर तुम लोग कातिल नहीं पकड़ सकते तो छुट्टी लेकर घर चले जाओ, ये काम भी मैं खुद कर लूंगा। सर वो बिल्ला पहाड़ी जाए जहन्नम में, मुझे कातिल चाहिए। That's all. We'll be right back.
یہ تو میں جانتا ہوں کہ قتل تم نے نہیں کیا۔ میں بلا وجہ کسی کو نہیں بولوں گا۔ سر مجھے جانے دیں، میں اپنے بیٹے کو اسکول چھوڑنا ہے۔ تم نے کیا ہی کچھ نہیں تو ہم تمہیں کیوں روکیں گے؟ بس ہمیں صرف اتنا بتاؤ کہ سخاوت کہاں رہتا ہے۔ سر میں سخاوت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ بکواس کرتے ہو، اس کو قرض دے سکتے ہو اور اس کے بارے میں کچھ جانتے نہیں ہو۔ ارے بتاتا ہے سیدھی طرح ہی اکرام ڈرائنگ روم کی شاخ۔ بتا جلدی سر۔ تفتیش کر رہے ہیں سر۔ یہ روٹین ہے لیکن قاتلوں کا سراغ لگانا بہت ضروری ہے۔ سر ہم نے سخاوت کو ڈھونڈنے میں پورے شہر کا کونا کونا چھان مارا ہے مگر اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ اور سر بلا پاڑی اور شیکو بھی کہیں چھپ گئے ہیں۔ سب ملیں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ پہلے بلا کے خلاف ثبوت لے کے آؤ، پھر گرفتار کرنے آنا۔ ثبوت تو تمہارے خلاف سخاوت نے ہمیں دے دیا، اب تمہیں ثبوت کی ضرورت نہیں۔ کیا ہوا ڈیڈی، آپ کیوں پریشان ہیں؟ پتہ نہیں کیوں میرا دل گھبرا رہا ہے۔ مجھے پتہ ہے آپ باجی کی وجہ سے پریشان ہیں، گھبرائے نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میری روبینہ میرا حوصلہ تھی، جب سے وہ بلال کا خون ہوا ہے خوشیاں جیسے ہمیشہ کے لیے روٹ گئی ہیں۔ میں تو کہتی ہوں باجی کی کہیں شادی کروا دیں۔ تم ٹھیک کہتی ہو بیٹی۔ انسپکٹر صاحب، میرے بیٹے کی روح کو تب سکون ملے گا جب اس کے قاتل گرفتار ہوں گے۔ عمر دراز صاحب، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد ملزمان کو گرفتار کر لیں۔ سر ہم نے بلا پاڑی کو گرفتار کر لیا۔ انہوں نے کچھ بتایا؟ سر ابھی تک تو کچھ نہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ اتنی آسانی سے سب کچھ بتا دیں گے؟ سر میری تفتیش سے لگتا ہے بلا پاڑی، سخاوت یا شیکو، اس کے علاوہ کوئی اور بھی قاتل ہو سکتا ہے۔ کون ہے وہ؟ مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے قاتل چاہیے اور ہر حال میں چاہیے۔ یہ حالت نہیں دیکھی جاتی، مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا دکھ ہے؟ مبینہ کو کیا دکھ ہے اور کیا پریشانی، یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شیخ صاحب، آپ کی بیٹی قاتل ہے۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ بکواس نہیں، حقیقت ہے۔ آپ کی بیٹی نے ہی بلال کا خون کیا ہے۔ اور کسی بے گناہ کا خون چھپ نہیں سکتا۔
ये क्या कह रहे हैं आप लोग, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अभी आपको सब कुछ पता चल जाएगा। चले बता अपने दिल की बात और अपने दिल का उबार निकाल ले। अब हमें सब कुछ पता चल चुका है कि कत्ल तुमने ही किया है। कातिल तुम हो और हमें सखावत के पीछे लगाना। रुबीना बेटी ये कह दो कि झूठ है। ये सच है डैडी, बिलाल को मैंने ही कत्ल किया है। नहीं बेटी, नहीं नहीं बेटी नहीं। लेकिन क्यों, तुम तो उससे प्यार करती थी, तुम्हारी तो उससे शादी होने वाली थी। ऐसी क्या बात थी कि तूने बिलाल का कत्ल कर दिया? मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन नेट चैटिंग से मेरी बिलाल से दोस्ती हो गई। फिर बाद मुलाकातों तक पहुंची, हमारी दोस्ती गहरी से गहरी होती चली गई। फिर हमारी मोहब्बत शादी तक पहुंची। शुरू में तो बिलाल शादी के लिए आमादा था। मैंने डैडी से बात की, वो भी मान गए। तब बिलाल शादी से भागने लगा। मैंने उसे बताया। तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे ये बताओ शादी कब कर रहे हो? इतनी जल्दी भी क्या है? जल्दी है बिलाल, तुम नहीं समझोगे। तुम मुझे क्या समझाना चाहती हो जो मुझे समझ नहीं आएगी? तो सुनो, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं कैसे यकीन करूँ कि ये मेरा बच्चा है? बिलाल शट अप, अगर इससे आगे एक लफ्ज़ भी बोला तो। मैं तो दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं रही। बिलाल की बेवफाई ने मुझे जैसे नफ्सियाती मरीज बना दिया। तब मैंने फैसला किया कि आइंदा बिलाल किसी लड़की की जिंदगी खराब ना करे। मैंने उसे आखिरी मुलाकात के लिए बुलाया। रिश्ते तो आसमानों पर बनते हैं, क्या हुआ हमारा मिलन नहीं हो सका? तो बिना मुझे माफ करना, मेरे डैडी ने मेरे दिन बांध दिए और अगले हफ्ते मेरी शादी। कोई बात नहीं बिलाल, मैं खुद तुम्हारी शादी में आऊंगी। अच्छा आप चले। चलो। बिलाल बाइक रोको। क्या हुआ? बिलाल मैंने कहा बाइक रोको। तुमने सोचा कैसे मेरे साथ ऐसा करने के बारे में? तुमने क्या सोचा था कि तुम्हें सजा नहीं मिलेगी? मैंने तुम्हें सजा दी। तुमने जुर्म किया है, सजा तो आपको काटना होगी। अगर तुम सच ना बताती तो तुम्हें दुनिया और आखिरत दोनों में सजा काटनी पड़ती। शेख साहब, हमारा काम था जुर्म को बेनकाब करना। जो बच्चे अपने माँ बाप के किए फैसले नहीं मानते, मोबाइल और नेट के जरिए अपने रिश्ते जोड़ते हैं, उनका हाल भी यही होता है जो बिलाल और रुबीना का हुआ। आप भी फैसला करते वक्त ये ध्यान जरूर दीजिएगा, वरना आपकी भी बन सकती है कहानी जुर्म की।